नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली हॉरोस्कोप। लेकिन जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल यानी एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक समय से पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। दोस्तों, यह जो राशिफल हम आपको बताएंगे यह आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों पर प्रभावी होगा। यानी कि अगर आपका लग्न मेष राशि का है तब भी यह राशिफल आप पर लागू होगा और अगर चंद्र मेष में है तब भी यह प्रभावी रहेगा। ये राशिफल 8 जून 2019 दिन शनिवार का है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले चलिए डालते एक नजर आज के पंचांग पर। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो अगले दिन यानी कि 9 जून को प्रातः 2:56 तक रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र है जो शाम को 5:22 तक रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। कर्ण की तरफ नजर डालें तो कौलव है जो शाम को 4:06 तक रहेगा, उसके बाद तैतिल है जो अगले दिन यानी कि 9 जून को प्रातः 2:56 तक रहेगा। योग की बात करें तो व्याघात योग है जो शाम को 5:25 तक रहेगा, उसके बाद हर्षण योग शुरू हो जाएगा। बात करें आज के दिन के शुभ समय, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं, तो आज जो शुभ मुहूर्त है 11:52 से 12:47 तक शुभ मुहूर्त है। राहुकाल 8:51 से प्रातःकाल 10:35 तक राहुकाल चलेगा। इस समय में किसी भी शुभ काम को ना करें। दिशा शूल की बात करें तो पूर्व दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा करने जा रहे थे तो बचें और कोई भी शुभ कार्य करने के समय इस दिशा में मुख ना रखें। चंद्रदेव की स्थिति की बात करें तो चंद्रदेव आज शाम को 5:22 तक कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। चंद्रबल पर नजर डालें तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। यह तो हमने बात की पंचांग की, चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की और जानते हैं ग्रह नक्षत्र के अनुसार सभी 12 राशियों के जीवन में आज क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की सलाह देना चाहूंगी। सबसे पहले तो खासतौर से जो महिलाएं गर्भवती हैं या अभी अभी माँ बनी हैं, उन्हें आज खास ख्याल रखने की जरूरत होगी क्योंकि उनके लिए भी आज बहुत अच्छा दिन नहीं है। आज के दिन किसी महत्वपूर्ण योजना में आप धन का निवेश कर सकते हैं और यह आपके दूरगामी लाभ का कारण बनेगा। आज आपके घरेलू जीवन में परिजनों के साथ संवाद स्थापित होगा। आप अपने परिजनों के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं अथवा घर वालों के साथ आप कहीं लंच या डिनर के लिए जा सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं, तो आज आपका साथी आपके लिए कोई संदेश भेज सकता है। आज के दिन की गई यात्रा से आपको एकदम से लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इनकी ही वजह से भविष्य में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं कारोबार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अच्छा बीत सकता है। आज व्यापार में मुनाफा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इसमें व्यापार के प्रति ईमानदारी और लग्न का बड़ा योगदान शामिल होगा। यदि आप रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे किसी व्यापार से जुड़े हैं तो इसमें आपको आज अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेखन में रुचि रखने वाले इस राशि के जातकों की कृतियों को आज सम्मान मिल सकता है। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं, आज अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी की कई खूबियां देखने को मिलेंगी और इन खूबियों को कि आप खुलकर तारीफ भी करेंगे। बता दें कि आज का दिन भी आपकी झोली में कुछ विशेष लेकर नहीं आया है। जिन समस्याओं से आप पिछले कुछ दिनों से जूझ रहे थे, आज एक बार फिर से आपको उसी से दो चार होना पड़ सकता है। उपाय की बात करें, विधवाओं की मदद करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 2। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद। भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। स्वास्थ्य के मामले में आज आप लकी रहेंगे। कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। आपकी चाल में तेजी होगी और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा जिससे आप हर काम अपने पूरे जोश के साथ कंप्लीट करेंगे। आपका दिमाग आज नई चीज़ों को ग्रहण करने के लिए खुला रहेगा और इससे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और ये विचार ही आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगे। आर्थिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए आज यदि आप लॉटरी में पैसे लगाते हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद की दिशा में किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होगा। किसी करीबी मित्र को दिया उधार आज आपको वापस मिल सकता है। बीते कुछ दिनों में आपका व्यक्तित्व दूसरों के बीच ध्यान का केंद्र रहा है और इसका फायदा आज आपको व्यापार के लिहाज से मिल सकता है। व्यापारी वर्ग आज साझेदारों के साथ मिलकर बिजनेस का इजाफा करने में सफल रहेंगे, हालांकि आपको आज बिचौलियों से बचकर रहने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन बेहतर है। घर में खुशी का वातावरण देखने को मिल सकता है। परिजनों का प्यार आपके जीवन में खुशियां लाएगा। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोग आज के दिन अपने काम करने की गति से अपने वरिष्ठों को खुश रख सकते हैं। अपने काम को वरीयता देना आपको अच्छा फल दिलाएगा। अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इससे बेहतर होगा कि आप कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं। अगर यह संभव ना हो सके तो घर पर ही रहकर कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यारा और उल्लासपूर्ण रहेगा। जिन भी लोगों की शादी अभी हाल ही में हुई है, वे लोग आज एक दूसरे को समझाने के लिए खुद कई कोशिशें करते दिखाई देंगे, जिसके परिणाम भी आपको सकारात्मक ही मिलेंगे। आज के दिन किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा, आपका रोमांचक होना और जुनून दिखाना आपके तार्किक तंत्र के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
उपाय की बात करें, गरीबों में दूध की थैली बांटे, इससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 2। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मजबूत दिख रहा है। आज आप अपनी पूरी एनर्जी में रहेंगे। आज आप पूर्व की किसी योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना है। पारिवारिक जीवन में आज आपको आनंद आ सकता है। आज आपकी पारिवारिक समस्याएं सुलझ सकती हैं। भाई बहनों के सहयोग से आज घर का रुका हुआ कोई कार्य पूरा हो सकता है। माता पिता की सेवा करें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। जहां तक प्रेम जीवन की बात है, तो आज भले ही आपके पार्टनर आपसे नाराज हों, लेकिन आप उनसे अपने प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्यार के मामले में आज आप किसी अनुभवी की सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका काम खुद ब खुद दूसरों की नजर में आएगा और आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अपने साझेदार को किसी योजना के लिए मनाने में कठिनाई हो सकती है। आज अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। इस राशि के जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए आज अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जो जातक पहले से ही शादी के बंधन में बन चुके हैं, उन्हें आज दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज के दिन आप जीवन साथी के साथ बात करके घर में सुख सुविधा की चीजें ला सकते हैं। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। आप खुद को किसी दुविधा में कहीं कहीं फंसा हुआ पाएंगे। यूं कहें कि मन में कोई द्वंद्व चलेगा, जो आपको भीतर ही भीतर परेशान करता रहेगा। ऐसे समय में आपको मेरी सलाह है कि खुद पर और खुद के विचारों पर काबू रखें। उपाय की बात करें तो आप आज उन लोगों के लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भिखारी या अपंग व्यक्ति को खाना खिलाएं। आज आपके लिए शुभ अंक है 9। शुभ रंग है आपके लिए लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन तभी बेहतर होगा जब आप हर स्थिति में भोजन और व्यायाम पर ध्यान देंगे। आर्थिक जीवन में परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। आज आपको धन लाभ के योग हैं, इसीलिए कहीं से रुका हुआ धन वापस आ सकता है। यदि आप कहीं से धन उधार या बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आप अपनी नई योजनाओं के लिए अपने परिवार के सदस्यों का योगदान चाहेंगे और विशेष रूप से अपने माता पिता को विश्वास में लेने की आवश्यकता होगी। आज के दिन प्रयास करने से आपको इन कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन में अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए अपनी समस्त ऊर्जा को अपने काम में लगा दें। आज के दिन आपको अनेक लोगों की सराहना और प्रशंसा मिलेगी, जिससे आपका मन गदगद हो उठेगा। आज के दिन मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई फिल्म देखने से बढ़िया और क्या हो सकता है। इससे मन भी बहलता है और नई चीजें भी पता चलती हैं। विवाहित लोगों को आज अपने जीवन साथी से उन बातों को साझा करने की जरूरत है जो आपको लगता है कि उनको पता होनी चाहिए और आपने अब तक वो बातें उनसे छुपा रखी हैं। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आज उसमें सुधार देखा जा सकता है। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपको सफल परिणाम मिलेंगे। उपाय की बात करें तो दूध व दही का सेवन करें, स्वास्थ्य लाभ होगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 3। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। स्वास्थ्य को लेकर आज बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा की सक्रियता कह रही है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो डमाडोल हो सकता है। आर्थिक स्थिति आज सामान्य रहेगी, लेकिन धन का व्यय करने से पहले एक बार अनुभवी लोगों की राय जरूर ले लें। किसी को उधार दिए पैसे भी आज आपको वापस मिल सकते हैं। यदि आपका अपनी माता जी के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव है, तो आपके रिश्ते में सुधार होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए आपको पहल करने की आवश्यकता है। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें प्रेम के अच्छे पहलुओं को आज देखने का मौका मिलेगा। किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन उत्तम है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में बॉस की तरफ से थोड़ी निराशा मिल सकती है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि दिन के अंत तक वो स्वयं आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आज का दिन आपके लिए उम्दा है और अपनी सूझबूझ से, अपनी रचनात्मकता से आप इसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी भी गलत फहमी को जगह न बनाने दें। आपका साथी अगर आपसे दूर हो रहा है, तो उसमें सिर्फ उसकी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ऐसा जरूर किया है जो ठीक नहीं था। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कभी कभी झुकना भी सीखना चाहिए, नहीं तो जीवन का आनंद जो है आप उठा नहीं पाएंगे। जो भी काम आज आप अपने हाथ में लें, उसे पूरा करके ही दम लें, उसे बीच में ना छोड़े, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अपने काम को दूसरों पर थोपना या फिर अपने काम के लिए दूसरों पर हद से ज्यादा निर्भरता भी आपको परेशानी में डाल सकती है। उपाय की बात करें तो अपने इष्ट देव की सोने की मूर्ति बनाकर घर में स्थापित करके रोजाना उसकी पूजा करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है
2। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। स्वास्थ्य को लेकर दिन अच्छा है, लेकिन जो लोग घर से बाहर खाना खाते हैं उनको आज संतुलित आहार खाने की आवश्यकता है। आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज का समय आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा और आपके माता पिता अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। आज आप अपने प्रियतम संग अपने सपनों की दुनिया में गुम हो जाना चाहेंगे, लेकिन सभी भावनाओं के बावजूद आपको खुद पर काबू रखना होगा और ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिससे आपकी छवि या आप दोनों का ये पवित्र रिश्ता दागदार हो। अपने रोमांस को चरम पर पहुंचाने के लिए यदि आप अपने साथी पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया है तो वो आपके लिए बेहद गलत साबित हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को आज अपने ऑफिस या विभाग से अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनकी आज तलाश पूरी हो सकती है। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। अपने कारोबार के प्रति आपकी मेहनत और विचार सफल होंगे। आज सकारात्मक परिणाम पाकर आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। आज आपका कुछ समय आपके व्यक्तित्व निर्माण में भी बीत सकता है। आत्मनिर्माण के लिए आकर्षक व्यक्तित्व का होना बेहद अहम है। वैवाहिक जीवन के आधार पर देखें तो आज आपका जीवन साथी के साथ रोमानी पल आप गुजारेंगे और आपके आपसी मतभेद भी खुद ही दूर हो जाएंगे। आज ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गेहूं के 11 दाने सूर्योदय के समय खाएं। आज आपके लिए शुभ अंक है 9। शुभ रंग है आपके लिए लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से आज 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। आज आपको आर्थिक दृष्टि से संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारक भी पैदा होंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इसके लिए आपको आज सामान्य से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। शेयर बाजार में धन को निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत है। बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी का व्यवसाय फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से मनमुटाव हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपको खुद को शांत रखना होगा। घर में सभी से प्रेम से बातचीत करें। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। आज आपके पार्टनर के साथ आप कुछ पल ही सही लेकिन प्यार के बिता पाएंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। विशेष रूप से आज थोक और खुदरा व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कामकाजी लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा बीतेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपका जीवन साथी आपको कोई ऐसा उपहार देगा जो आपके लिए बहुमूल्य होगा। वैवाहिक जोड़ों को आज अपने जीवन साथी के साथ लंबी छुट्टी पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जिन जातकों को बीते कुछ समय से लग रहा था कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है और उनको हमेशा नुकसान होता है, तो आज उनकी गलतफहमी दूर हो सकती है। उन्हें आज वैसे ही फल मिल सकते हैं जैसे कि वो उम्मीद करते हैं। आज के दिन आपका मुनाफा होने की पूरी संभावना है। उपाय की बात करें, लाल व भूरी चींटियों को खांड मिश्री मिलाकर खिला दें, जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 2। शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा व्यतीत होने वाला है। आज आप स्वयं के अंदर एक अलग सी रोमानियत का अनुभव करेंगे। परिवार का कोई सदस्य आज आपके लिए कोई खास तोहफा ला सकता है। आर्थिक तौर पर देखें तो आज का दिन शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश के लिए काफी उत्तम है। यदि आप लंबे वक्त से इन क्षेत्रों में निवेश करने की सोच रहे थे तो आज का दिन इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। गौरतलब है कि इन निवेशों से पहले इससे संबंधित विशेषज्ञों की राय लेना ना भूलें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये वही दिन है जिसको कि बार बार आने की आप कल्पना करते हैं। आज घर के लोगों से बातचीत करने में आपको आनंद आएगा। खासकर अपनी माता के स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आज के दिन आपकी वाणी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अति उत्साह में आकर कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन कुछ कठिन रहने वाला है, इसीलिए कुछ भी ऐसा ना कहें ना करें जिससे आपके प्रियतम का मूड खराब हो जाएगा। कारोबारियों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। आज के दिन आपको कारोबार के संबंध में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आज के दिन कुछ कारोबारियों को विदेशी स्रोतों से फायदा भी हो सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज कार्य क्षेत्र में खुद को थका हुआ महसूस करेंगे। इस थकान की वजह आपकी व्यस्त दिनचर्या हो सकती है। आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर सुकून भरे पल का आनंद लेंगे और उनके साथ अपने सभी गमों को भुला सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन में आज कुछ विशेष नहीं होगा, लेकिन आप अपने शांत स्वभाव से अपने साथी का दिल जीत सकते हैं। उपाय के तौर पर लाल या भूरे रंग की गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर खिला दें, लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 4। शुभ रंग है आपके लिए भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की।
किसी लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और उसे निजात पाना चाहते हैं तो आपको कुछ कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है और उन पर अमल करने की भी ज़रूरत है। अपने खान पान और दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करें। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको सलाह है कि सुबह शाम प्राणायाम का अभ्यास करें। आज आर्थिक रूप से आप खुद को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। बहरहाल आज आप दैनिक ज़रूरतों के सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लंबे वक्त से वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज इस दिशा में आप एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आज आप अपने परिवार के में काफ़ी खुश महसूस करेंगे और अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे। जो लोग प्रेम जीवन में पड़े हैं वो आज प्यार की गहराइयों का लुत्फ ले सकते हैं। आज आपको समझ आएगा कि सिर्फ तोहफे और मीठी मीठी बातों से ही प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि कभी कभी चुप्पी से भी प्रेम का एहसास होता है। कार्यक्षेत्र में अचानक से कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे जो जीवन में आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन बदलावों के प्रति सजग रहें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा और सभी आपके कायल हो जाएंगे। इस राशि के जो लोग लेखन का काम करते हैं उन्हें आज लोगों से प्रशंसा मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज अपने जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आजकल आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं और आपकी मानसिक शांति छिन रही है उन्हें खुद ही हल करने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर सप्ताह के अंत में आपके खर्चों में अधिकता संभव है, इससे बचने के लिए बंदरों को मीठी लाल वस्तु जैसे कि जलेबी, इमरती, शक्करपारे आदि खिला दें। आज आपके लिए शुभ अंक है 1। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए दिन की शुरुआत कसरत से करें, इससे आपके मन में सकारात्मक भाव पैदा होंगे। नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए आपके प्रयास आज सफल हो सकते हैं, हालांकि आप आज वैसे प्रयास नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आज आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका पूरा सहयोग करेंगे, सहायता देंगे। लिहाजा पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज आपका दिन जो है काफी खुशनुमा बीतेगा। आज परिवार के लोगों के साथ आप मूवी देखने या फिर डिनर पर भी जा सकते हैं। आज आपको खुद को आम परिचितों से अपनी किसी भी तरह के व्यक्तिगत या प्रेम संबंध बातों को साझा करने से रोकना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आज आपको सफल परिणाम मिलेंगे। बॉस और आपके सीनियर आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, वो उससे प्रभावित होंगे। कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं कारगर साबित हो सकती हैं, हालांकि कार्य को जल्दी समाप्त करने के लिए किसी तरह का शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। वहीं कारोबार से यानी बिजनेस से संबंध रखने वाले जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। व्यापार में तरक्की होगी। लघु उद्योग से संबंध रखने वाले जातकों को आज के दिन अधिक मुनाफा हो सकता है। आज आप उन कामों को करने की हिम्मत कर सकते हैं जिनको करने से में आप अक्सर पीछे हटते थे। दाम्पत्य जीवन में आज आपको अच्छे सोच समझ कर चलने की जरूरत है। अगर किसी बात के चलते आपने जीवन साथी से आपके मतभेद हैं तो उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें। आज के दिन आप खूब दान धर्म कर सकते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों पर जी खोल कर खर्च करेंगे। उपाय के तौर पर विष्णु जी की मत्स्यावतार की कथा पढ़ें, प्रेम संबंध बेहतर होंगे। आज आपके लिए शुभ अंक है 1। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। दीर्घावधि मुनाफे के नज़रिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में घर वालों के सहयोग से आज आप किसी महत्वपूर्ण घरेलू कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकते हैं। संभव हो तो आज के दिन आपको जो खाली समय मिलने वाला है उसका भरपूर लाभ लें और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारें। प्रेम संबंधों में पड़े इस राशि के जातक आज अपने लवमेट पर हावी रहेंगे। आज आप उनकी बात सुनने से ज्यादा अपनी बात कहना पसंद करेंगे, जिससे आपका प्रेमी थोड़ा खिन्न हो सकता है। आज आप अपने कार्यस्थल में ऊर्जावान दिखाई देंगे। वहीं कारोबार से जुड़े जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा बीत सकता है। आज व्यापार में मुनाफा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इसमें व्यापार के प्रति ईमानदारी और लगन का बड़ा योगदान शामिल होगा। यदि आप गारमेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इसमें आज आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आज दिन थोड़ा बोरियत भरा रहेगा। आज जो काम आप अपनी खुशी के लिए करना चाहेंगे उसे कर नहीं पाएंगे। जो लोग विवाहित हैं उन्हें आज अपने दाम्पत्य जीवन को जीवंत बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। ऐसा करके आप दोनों के दिल में छुपी कड़वाहट जो है दूर हो जाएगी। आज चंद्रमा की ये सक्रियता कहती है कि शारीरिक परेशानियां आपको हो सकती हैं। इस राशि के लोग आज कुछ मानसिक तनाव से भी गुजर सकते हैं। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो आपको ध्यान का अभ्यास करने की जरूरत है। आज के दिन आपको अपनी चंचलता पर काबू रखने की जरूरत है, इससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नियमित दर्शन करें और प्रसाद चढ़ाएं। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आज आपके लिए शुभ अंक है 8। शुभ रंग है आपके लिए काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम मीन राशि की।
सेहत के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसीलिए आज अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी सावधानी बरतें। व्यर्थ की चीजें ना खाएं और जंक फूड तो भूलकर भी ना खाएं। आज के दिन घर के बाहर के खाने से परहेज करना आपकी सेहत को ठीक रखने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा अत्यधिक ठंडा या गर्म पदार्थ भी प्रयोग में न लाएं। आज कहीं से रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। यह धन आपकी कई आर्थिक परेशानियों को दूर कर देगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको अपने परिवार के कई सदस्यों से अचानक से कोई उपहार मिल सकता है, इससे आपको अंदरूनी खुशी की प्राप्ति होगी। आज अपने प्रेमी में अपना सच्चा दोस्त आपको नजर आएगा और इसीलिए आज आप दिल खोलकर उनसे बातें करेंगे। वो भी आपकी बातों को आपके अनुसार ही समझेंगे और फिर आपको जरूरी सलाह देंगे। यदि आप कामकाजी हैं तो आज दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और उन कामों में अपना समय व्यतीत करें जिसे आप सच में करना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज आपको रोजमर्रा के कामों से कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालना चाहिए और अपने तरीके से कुछ पल बिताना चाहिए। आज का दिन सिर्फ आपका होगा, कहने का अर्थ ये है कि आज आप कुछ ऐसी गतिविधियों में लीन रहेंगे जो आपके मन को सुकून देगा। आज आप अपने लिए कुछ वक्त निकालकर रचनात्मक कार्यों में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठा पाने में सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ आज रोमांटिक डेट या कोई फिल्म देखने का प्लान बना सकते हैं आप। आध्यात्मिक कार्यों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा और आपका मन इन गतिविधियों में खूब लगेगा। आज के दिन आप खून दान धर्म खोल कर सकते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों पर खोल कर खर्च भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर भैरव जी की पूजा करें, स्वास्थ्य लाभ होगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 6। शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 8 जून का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारे सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोज़ की जानकारी समय से मिल सकेगी। एस्ट्रो सेज से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।